हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बताएंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है सिरप वह कौन सी है। इस वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो इसमें सिरप में जो सबसे अधिक MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर जो सबसे अधिक यूज करते हैं उन सभी सिरपों के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये बताएंगे कि उसमें क्या पाया जाता है, मतलब कि कंपोजिशन बताएंगे, डोज बताएंगे और यूज बताएंगे। इसमें खास बात, इस वीडियो में खास बात ये है कि इस वीडियो में मैं एडल्ट का डोज बताऊंगा और बच्चों का भी डोज बताऊंगा, मतलब कि बच्चों में क्या डोज चलता है और बड़े आदमियों में क्या डोज चलता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर पर रखा हूँ साइपोन। साइपोन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपोजिशन बता दूं तो इसका कंपोजिशन होता है सिप्रोहेप्टाडीन होता है और साथ ही साथ सेरिबिडॉल होता है और टाइकुलिन होता है जो कि हमारे भूख को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो इसका डोज, तो देखिए डोज इसका होता है इन एडल्ट, मतलब कि एडल्ट में इसका डोज होता है 5 ml होता है, BD होता है मतलब कि दिन में 2 बार होता है, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। मतलब कि बच्चों में क्या डोज होता है, तो देखिए बच्चों में डोज होता है 2.5 ml BD होता है, मतलब कि दिन में 2 बार रहता है, 2.5 ml रहता है, ठीक। और इसका यूज बता दूं तो देखिए इसका यूज होता है भूख बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी बच्चे को या किसी आदमी को भूख नहीं लगता है तो उस कंडीशन में इसका दिया जाता है। साथ ही साथ वजन बढ़ाने में, अगर किसी का वजन नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये बता दूं कि इसके अलावा कुपोषण के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि अगर कोई कुपोषण हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसे पीने से आपको हल्का सा नींद आ सकती है, मतलब कि इसका नींद आ सकती है, इसके कारण आपको सुस्ती महसूस हो सकती है, ये इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक। और मैं ये बता दूं इसके अलावा अपने दूसरे नंबर पर रखा हूँ जिसका नाम है रिस्टोजाइम। रिस्टोजाइम तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक बहुत पुरानी सिरप होती है जो कि सबसे अच्छी सिरप मानी जाती है। इसमें कंपोजिशन के बारे में बता दूं, मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पेप्सिन पाया जाता है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक एल्बुमिन पाया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ इसमें पका हुआ स्टार्च पाया जाता है, इंग्लिश में कोकेट स्टार्च बोलते हैं, ये पाया जाता है। और इसका डोज के बारे में बता दूं तो देखिए इसका डोज बच्चों में रहता है 2.5 ml डोज इसका बच्चों में रहता है और तथा BD रहता है, मतलब कि दिन में 2 बार रहता है। और इसके अलावा एडल्ट में बता दूं डोज तो देखिए एडल्ट में इसका डोज होता है 5 ml रहता है, दिन में 2 बार रहता है, मतलब कि BD रहता है। और इसका यूज बता दूं तो किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन जैसी महसूस होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ पाचन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पेट में अगर गैस किसी को बनता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अपने तीसरे नंबर पर रखा हूँ जिसका नाम है आर्बिटोन। आर्बिटोन एक बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छी सिरप है जो खून को तेजी से बढ़ाता है। और मैं इसका कंपोजिशन बता दूं तो देखा कंपोजिशन होता है आयरन, अगर किसी को आयरन होता है और साथ ही साथ विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है, जो कि फोलिक एसिड हमारे बॉडी में ब्लड को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और मैं इसका डोज बता दूं तो देखिए इसका डोज होता है कि एडल्ट में इसका डोज 5 ml रहता है, दिन में 2 बार रहता है, मतलब कि BD रहता है। इसके अलावा अगर बच्चों में इसका डोज बता दूं तो देखिए इसका बच्चों में भी डोज सेम होता है 5 ml BD और तथा दिन में 2 बार होता है। इसका यूज बता दूं तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो, मतलब कि उस व्यक्ति को एनीमिया हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लो हीमोग्लोबिन हुई हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और अपने चौथे नंबर पर रखा हूँ डेक्सोरेंज। डेक्सोरेंज जो कि एक बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है और सिरप मानी जाती है। ये एक बहुत पुरानी कंपनी की है और साथ ही साथ ये बहुत पुरानी सिरप है। ये काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है इस सिरप का। तो देखिए इसका कंपोजिशन बता दूं तो कंपोजिशन होता है फेरिक एमोनियम सिट्रेट होता है ठीक, और इसके अलावा साइनोक्लोबामिन होता है और फोलिक एसिड होता है। और मैं इसका डोज बता दूं तो देखिए इसका डोज होता है बच्चों में और एडल्ट में इसका डोज होता है 5 ml बीडी रहता है, मतलब कि दिन में 2 बार रहता है। इसका यूज बता दूं तो देखिए इसका यूज वही होता है जैसे कि अरबिडोन का यूज होता है, सेम इसका भी वही यूज होता है। अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी होने लगती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, तथा साथ ही साथ हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं अपने अगले नंबर पर रखा हूँ जिसका नाम है जिंकोविट। जिंकोविट की जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यह कोरोना काल में सबसे अधिक बिकने वाला सिरप है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देती है। और मैं इसका डोज बता दूं तो देखिए इसका डोज होता है 10 ml रहता है दिन में 2 बार रहता है, और तथा बच्चों में 5 ml रहता है दिन में 2 बार। और मैं ये बता दूं इसका यूज तो देखिए इसका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देना मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार तबीयत खराब हो जाता है मतलब कि बार बार बीमार पड़ जाता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है ताकि उसका रोग प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ जाए मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं अपने अगले नंबर पर रखा हूँ नेरी। नेरी का तो नाम आपने जरूर सुना होगा। मैं इसका डोज बता दूं तो देखिए इसका डोज होता है 10 ml बीडी रहता है एडल्ट में, और बच्चों में इसका रहता है 5 ml बीडी रहता है मतलब कि दिन में 2 बार रहता है। और इसका यूज बता दूं तो देखिए इसका यूज अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन हुई है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को UTI मतलब कि यूरिन में इंफेक्शन हुई है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि पेशाब करने में जलन होती है ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि बन जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ किडनी डिटीज मतलब कि किसी को किसी भी प्रकार की किडनी में दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की किडनी में बीमारी हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं अपने अगले नंबर पर रखा हूँ डाइजिन। डाइजिन का तो नाम आपने जरूर सुना होगा, शायद इसको आप कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। और मैं इसका कंपोजिशन बता दूं तो देखिए इसका कंपोजिशन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और साथ ही साथ इसमें सोडियम होता है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते। इसका डोज बता दूं तो देखिए इसका डोज होता है एडल्ट में इसका डोज होता है 10 ml दिन में 2 बार मतलब कि बीडी, और तथा इसके साथ ही छोटे बच्चों में डोज होता है बीडी रहता है लेकिन 5 ml रहता है दिन में 2 बार। और इसका यूज बता दूं तो अगर किसी व्यक्ति को पाचन में समस्या होने लगती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को गैस और एसिडिटी बनने लगती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ पेट में छाले होने लगते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, काफी अच्छा रिस्पांस इसका मिलता है। मैं अपने अगले नंबर पर रखा हूँ लिप 52। लिप 52 जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका डोज के बारे में बता दूं तो देखिए इसको सुबह खाली भी पेट ले सकते हैं 5 ml तथा आफ्टर मतलब कि अगर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं 5 ml और रात में भी ले सकते हैं सोने मतलब कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार बीडी, और छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल वही रहता है 5 ml रहता है सुबह शाम रहता है ठीक। इसका यूज बता दूं तो देखिए इसका यूज होता है जॉइंटिस, अगर किसी को पीलिया हुई है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ पाचन शक्ति ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सभी प्रकार की लीवर की समस्या के लिए
इसका इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर से दिक्कत है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं अपने लास्ट में रखा हूँ साफी। साफी का तो आप नाम सुना ही होगा, और ये सबसे अधिक बिकता है मार्केट में तो वो है साफी। साफी काफी पुरानी सिरप है जो कि हमारे ब्लड को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसका डोज बता दूं तो देखिए, इसका डोज होता है सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, दो टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, मतलब कि तीन टाइम ले सकते हैं आप, 5-5 ml ले सकते हैं, TDS ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खून साफ नहीं होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं इसका यूज बता दूं तो देखिए, इसका यूज होता है अगर किसी व्यक्ति को खून साफ नहीं होता है, मतलब कि खून साफ नहीं है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ एक्ने, अगर किसी व्यक्ति को एक्ने हुई है, मतलब कि कील मुहासे हुए हैं, दाग धब्बे हैं, साथ ही साथ फोड़ा फूसी है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को एक्ने, कील मुहासे हुए हैं, जो फोड़ा फूसी हुई है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुखार हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है साफी का। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सभी प्रकार की सिरप को आपको जानकारी मिली होगा। अगर मेरी वीडियो से आपको जानकारी मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ है, मस्त है।